तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएस गौरव सेठ फ्रॉम शेपर्स एजुकेशन और मैं आज का टॉपिक समझाऊंगा केविट इंटर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का टॉपिक में हम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे केविट एंटर का मतलब क्या होता है, दैट इज कवर्ड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सबसे पहला हम समझते हैं डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मीन्स प्रिंसिपल, एंड अब हम मतलब समझेंगे केविट एंटर का। तो केविट एंटर मीन्स लेट द बायर बीवेयर, मीन्स अगर कोई बायर कुछ भी खरीदी या परचेज कर रहा है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जब भी कुछ वो परचेज कर रहा है तो उसे ही इंस्पेक्शन करना है, उसे ही सेलर को अपना डिस्क्रिप्शन बताना है कि मुझे इस टाइप का गुड चाहिए। उसे खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा जब भी वो गुड्स को खरीद रहा है। तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल है अपने परचेजेस के लिए, और अगर कोई भी ब्रीच होता है तो वहां पर वो सेलर को जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है लेट द बायर बी वेयर। आई नो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि हम परचेज कर रहे तो अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो हम कैसे जिम्मेदार हुए। तो हम इसके अंदर हमें एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं जहां पर हम जो है वो जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन एज पर प्रिंसिपल, अगर हम जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो हम जब भी परचेसेस कर रहे हैं तो हमें ही पूरी तरीके से अवेयर होना है, हमें अपना पर्पस जो है वो बताना है। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा गया है, इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ये प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन अप्लाई होता है केविट एंटर का, दैट इज लेट द बायर बी वेयर। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एंटर मीन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी बायर परचेसेस कर रहा है, तो जब भी वो परचेसेस कर रहा है तो उसे ड्यू डिलीजेंस या पूरा रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी या देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का गुड जो है वो खरीद रहा है बिफोर द परचेज ऑफ द गुड। और बायर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कर रहा है तो वो रैंडमली नहीं कर रहा है, पूरा सोच समझ कर एक प्रोडक्ट का रिसर्च करके उसको देख कर ही वो खरीद रहा है। लेट द बायर बीवेयर। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, अगर बाय चांस गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है जो उसने खरीदा है, ही कैन नॉट से होल्ड द सेलर लाइव। तो अंडर दिस प्रिंसिपल अगर बाद में कोई गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं तो लॉ में ऐसा कहा गया है कि बायर ने सोच समझकर खरीदा है, बाद में अगर डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड्स है तो वो सेलर को लायबल ठहरा नहीं सकता। लेकिन वेट, आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये तो गलत है, यहाँ पर एक्सेप्शन से भी हम समझेंगे कब जो है ऐसा नहीं होगा, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं, द सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द बायर। बायर है, बायर खरीद रहा है, या तो वो स्पेशल पर्पस बताएगा तो ही, लेकिन जब बायर बिना कुछ बोले खरीदता है तो उसी की पूरी जिम्मेदारी होती है। सेलर को बायर के बेस्ट सिलेक्शन से हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं, वही चीज लिखी हुई है, ही कैनॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफीरियर गुड्स अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉड। देखो यहाँ पर आ गया, अगर हाँ फ्रॉड कर रहा है सेलर तो ऑब्वियसली बात है कि बायर जो है वो जो है सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। दो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द बायर, He can shift it to the seller under the given condition. तो condition जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हमेशा ये law जो है वो applicable नहीं होगा, कुछ कुछ exceptions इसमें दे रखे हैं। तो if the buyer has informed the seller, अगर मैं suppose example के through समझाता हूँ, medicine लेने गया, medicine लेने पर मैंने specifically seller को बोला कि मुझे headache हो रहा है और मुझे headache से related, उसको कम करने से related मेरे को मेडिसिन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने अपना पर्पस एक मेडिकल ओनर को बता दिया है कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो पर्पस मैंने बता दिया है परचेज करने से पहले, और बायर मैं जो हूँ मुझे मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट और डिपेंडेंट रहा मेडिकल वाले पर कि हाँ जो इसने दवाई दी है वो मेरे हेडेक के लिए सही रहेगी, तो मैं पूरी तरीके से रिलाय किया उसके टेक्निकल एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है। तो ये दो केसेस पर
जब मैं अपना पर्पस भी बता रहा हूँ और मैं उस पर पूरी तरीके से रिलाय कर कर वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ, तब जो है केवट एंटर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर बायर जो है अगर उसे नुकसान होता है तो वो उसको सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। अब हम देखते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन सेलिंग मैंगोज टू ए, जब बी जो है ए को मैंगोज बेच रहा है, ठीक है, द सेलर डिड नॉट मेंशन दैट दीज मैंगोज विल नॉट राइपन, ठीक है, वो अच्छे से आगे जाकर पकेंगे नहीं, वो ग्रीन के ग्रीन ही रहेंगे, बी ने ए को नहीं बताया। दिस मीन्ट ए कुड नॉट मेक आइसक्रीम फॉर हिज रेस्टोरेंट। अब ए को आइसक्रीम बनानी थी और आइसक्रीम बनाने के लिए एक आम को पूरी तरीके से पकना था जो कि वो नहीं पका और बी ने नहीं बताया। अब हियर द सेलर इज नॉट एट द फॉल्ट, यहां पर बी जो है वो बिल्कुल भी फॉल्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर ए बी से खरीद रहा है मैंगो तो उसको अपना पर्पस बताना था कि मुझे ऐसे मैंगोज चाहिए, कच्चे मैंगोज जो कि एक दो दिन में पक जाए, तो ए ने कुछ उसको बताया ही नहीं उसका मेन पर्पस। तो इसीलिए यहां पर लेट द बायर बी वेयर का ए को पूरी तरीके से बीवेयर होना था कि वो उसको बी को अपना पर्पस जो है वो बताए, और इसीलिए ए जो है वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केविट एम्प्टर। तो अब हम एक्सेप्शन समझते हैं। हमने पहले समझा केविट एंटर, जहां पर बायर को बिबेर रहना पड़ेगा और सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी ब्रीच के लिए। लेकिन एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? यहां पर सेलर जो है, ठीक है, यहां पर सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा और केविट एंटर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहला है फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ यूज, जो कि हमने पहले ही समझ लिया है। जब बायर जो है वो इन्फॉर्म करेगा सेलर को अपना पर्पस, अगर वो इन्फॉर्म करता है अपना पर्पस तो वो पूरी तरीके से पर्पस पता, जैसे मैंने आपको मेडिसिन का एग्जाम्पल दिया था, तो वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट था और उसे पर्पस बता दिया था। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से सेलर के जजमेंट पर ही प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो ये एक ड्यूटी है सेलर की कि जो पर्पस उसने बोला है वो पूरा हो यूसेज का। तो जब अगर वो सेलर भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो जब अगर गुड्स डिफेक्टिव है और वो अपने पर्पस को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा और केविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर एक फेमस एग्जाम्पल दे रखा है, लॉ में प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। पी ने परचेस किया गुड्स, ठीक है, एक केमिस्ट से, ठीक है, एल जो है वो केमिस्ट है और पी ने परचेज करी हॉट वाटर बॉटल, और पी ने यहाँ पर इसको बोल दिया कि अपना पर्पस बता दिया कि ये जो मैं बॉटल खरीद रहा हूँ वो हॉट वाटर को होल्ड कर सकती है या नहीं, उसने अपना पर्पस बता दिया, और एल ने कहा कि हाँ ये हॉट वाटर को भी होल्ड कर सकती है। अब जब पी ने घर पर जाकर उस वाटर बॉटल में गर्म पानी डाला तो वो बॉटल जो है उसको सहन नहीं कर पाई और बॉटल जो है वो डैमेज हो गई और गर्म पानी जो है वो पी की वाइफ पर गिर गया और पी की वाइफ को बहुत ज्यादा इंजरी हुई। तो यहां पर क्या हुआ, इसने इसके स्किल्स पर पूरी तरीके से पी ने रिलाय किया और इसकी वजह से क्या हुआ, पी को नुकसान हो गया, पी की वाइफ को। तो यहां पर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सेलर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां पर ऑब्वियसली बात है सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्शन है गुड परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड और ट्रेड नेम। जब हम सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रांड का, एडिडास के मैंने शूज खरीदे, तो सबको पता है कि ये एक ब्रांड है, ये ब्रांडेड क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इसमें बिकॉज इट इज ए ब्रांड, वेल नोन ब्रांड, तो इसमें कोई भी क्वालिटी जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगी। बाय चांस अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट में, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, तो क्वालिटी अगर नहीं है तो यहां पर भी हम जो है सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर बायर जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसके ट्रेड नेम पर, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया एडिडास का, तो मैं ये सोचकर खरीद रहा हूं कि यस
एडिडास इज अ ब्रांड, और उसके प्रोडक्ट जो है, उसके शूज जो है, वो क्वालिटी वाले ही होते हैं, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद दैट ब्रांड नेम. तो सेलर जो है वो कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. इन दिस केस द बायर इज नॉट रिलाइंग ऑन द स्किल्स, बट यहाँ पर वो स्पेशल पर्पस नहीं बता रहे, बट बिकॉज वो ब्रांडेड क्वालिटी है तो ये इम्प्लाइड है कि ब्रांडेड क्वालिटी जो है उसका स्टैंडर्ड होगा. तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा और एंड नॉट द बायर. अब हम देखते हैं गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन. जब मैंने किसी का डिस्क्रिप्शन ही दे दिया है गुड्स का कि मुझे ऐसे मैंगोस चाहिए, मुझे ऐसे क्वालिटी के एप्पल्स चाहिए, और वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते हैं, तब जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया है और सेलर जो है वो उस डिस्क्रिप्शन का गुड्स दे ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्स ऑफ मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी. ठीक है, मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि बेचने लायक हो. जैसे कि सपोज मान लो एक होलसेलर ने रिटेलर को बल्क क्वांटिटी में कोको कोला या चॉकलेट्स जो है वो भेजी. अब होलसेलर ने जब भेजी तो उसके जो कोल्ड ड्रिंक के वाटर बॉटल्स के ढक्कन जो होता है वो पूरी तरीके से खुले हुए थे, चॉकलेट्स के रैपर जो है वो खुले हुए थे. तो रिटेलर जो है वो आगे कस्टमर्स को ये चीज जो है वो बेच ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ सेलेबल और मर्केंटेबल क्वालिटी. तो इसीलिए गुड्स जो है वो हमेशा मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए. और यहाँ पर अगर गुड्स अगर बाय चांस ऐसे हैं विद डिफेक्ट है, तो यहाँ पर सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डिफेक्टिव गुड्स. नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं सैंपल के थ्रू जो है गुड्स को खरीद रहा हूँ. जैसे कि सपोज मान लो ए है, ठीक है, बी जो है वो ए के पास गया. ए जो है वो फार्म हाउस है उसका या ऑर्चार्ड है मैंगोज का. तो बी, ए ने बी को बोला, देख मेरे मैंगोज देख बहुत ही मीठे, और एक सैंपल के थ्रू उसने बताया कि मेरे मैंगोज जो है वो मीठे. बी ने उसको खाया और उसको बहुत मीठे लगे, तो एक सैंपल के थ्रू उसने पूरा ऑर्डर जो है वो लिया. तो अब बी ने क्या किया कि सैंपल के तो थ्रू मीठा था, लेकिन जो उसने बाद में बल्क क्वांटिटी भेजी तो जो क्वांटिटी जो थी उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. तो जब सैंपल के थ्रू भी होता है तो सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. वही चीज, सैंपल और डिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर गुड्स जो है वो लिया गया है तो यहाँ पर भी केवे टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा. सेलर्स एक्टिवली कंसीलर डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड. अगर सेलर खुद ही फ्रॉड कर रहा है, कोई चीजें छुपा रहा है, जैसे कि सपोज मान लो एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, कार जो है उसकी सेकेंड हैंड थी, उसके डेंट थे, ठीक है, और डेंट को उसने ठीक कर कर उसे बेच दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसको छुपा रहा है या फ्रॉड कर रहा है, तो यहाँ पर भी सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा और केवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, एंड सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड और डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड. ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझे केवेट एंटर काम, मतलब जहां पर बायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस समझे जहां पर सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. तो हमने टॉपिक पढ़ा केवेट एंटर का, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर, और इसके एक्सेप्शन हमने डिटेल्स में पढ़े. तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए केवेट एंटर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें केस स्टडीज भी पूछ सकते हैं, तो हमें ये टॉपिक जो है एकदम अच्छे से करके जाना है. एंड फॉर नोट्स आप हमारे शेपर्स एजुकेशन के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सारे नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे.